वेलकम टू लॉन्ग टर्म शोस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए देखें, यहाँ पर सब्सक्राइब पर लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की सूचना मिलती रही है। आगे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे, उस कंपनी का नाम है, उस स्टॉक का नाम है महिंद्रा फाइनेंस। एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि महिंद्रा पर फाइनेंस की उनके पास होल्डिंग है तो क्या करें। तो चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल्स उसके, कि जबकि NBFC की कंपनी है और उसमें काफ़ी कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की, और पिछले एक दो साल से NBFC कंपनियों पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। आप चाहे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ले लें या फिर बजाज फाइनेंस भी अपने हाई से काफ़ी नीचे लो पे है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं, उनमें से मन्नापुरम फाइनेंस भी है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिव्यू किया था सॉरी और महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, देखिए BSE पे आज शनिवार है, कल फ्राइडे को लास्ट जो क्लोजिंग थी 12 अप्रैल 2019 4:00, जिसका भाव था 415 रुपये पर ट्रेड किया था और 52 वीक लो बनाया था इसने 342 का और हाई बनाया था 534 रुपये का। सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं 100% बाई इट भी। और मार्केट कैप है देखिए 25,637 करोड़ का, EPS है 16.57, P25 की, और इंडस्ट्री P इसके 39.36 की है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और ज़बरदस्त डिविडेंड पे करता है 200%, डिविडेंड यील्ड 0.96%, फेस वैल्यू अभी भी 2 की है और डिलीवरेबल 43.93 की। बैलेंस शीट में अगर हम टोटल डेट देखते हैं, देखिए कर्जा हमें यहाँ पे इसका नहीं देखना होगा, इग्नोर करना होगा, क्योंकि 29,900, क्योंकि ये पैसा लेके ही पैसा आगे देती है तो उससे जो ब्याज होता है उससे कमाती है, तो ये इस पर डेट नहीं देखा जाता, इस पर NPA वगैरह देखा जाता है। जो नेट सेल्स हैं मार्च 2018 में, अभी इसके दिसंबर इसके मार्च 2019 के भी रिजल्ट्स अवेटेड हैं, अभी आए नहीं हैं Q4 के, तो हम चलो देख लेते हैं अभी इस क्वार्टर के देख लेते हैं। सितंबर 2018 में जो 2103 करोड़ की जो नेट सेल्स थी वो दिसंबर 2018 में हो गई 2222 करोड़ की प्लस में है, और नेट प्रॉफिट में भी जहाँ सितंबर 2018 में 381 करोड़ की थी, वहाँ हो गई दिसंबर 2018 में 318 करोड़ की डाउनसाइड है सॉरी। और ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इंक्लूड व्हीकल लोन्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, टू व्हीलर्स एंड यूज्ड व्हीकल्स, रीफाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस, SME फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, पर्सनल लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। मैं एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने जो इनकी वेबसाइट पर देखा कि बेसिकली इनका जो फोकस है रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया इन टू अ सेल्फ रिलियंट फ्लोरिशिंग लैंडस्केप सिंस देन, तो इनका ज़्यादातर फोकस या तो जो गांव है रूरल एरियाज़ पे या छोटे जो शहर हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। और मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस का जो वहाँ पे लोन लेने वाले हैं, जो जनरली वो अवॉइड ही करते हैं कि 100% लोन ले, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे इनका व्यापार नहीं होगा। बजाय जैसे कि हम बजाज फाइनेंस का देख ले, तो बजाज फाइनेंस क्या होता है, छोटे चाहे मॉल्स हों, चाहे स्मॉल शोरूम्स हों, चाहे छोटी छोटी दुकानें हों, वो थोड़ा सा फैंसी लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा फाइनेंस करते हैं, और हालांकि वो भी फुली पूरी तरीके से होम लोन फाइनेंस और पर्सनल लोन सब पे हैं जो इस पे, तो डेफिनेटली कंपटीशन है। वो मोबाइल तक फाइनेंस करती है, मोबाइल लैपटॉप, छोटे छोटे होम अप्लायंसेस पे, मिक्सर ग्राइंडर जो भी है, TV, फ्रिज एट्सेट्रा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महिंद्रा फाइनेंस उस हिसाब से जो ट्रैक्टर्स का किसानों के लोन्स होते हैं, जो छोटी कार्स होती हैं, बड़ी कार्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, डेफिनेटली फाइनेंस करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे फाइनेंस, क्योंकि लोन के नाम से तो लोग डरते ही हैं, आपको पता ही कि किसान हो चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे वहाँ छोटे वर्ग के लोग हों, जो ज़्यादा बड़ा वर्ग है नो डाउट वहाँ पे है रूरल एरियाज़ में, बट लोन पूरा लेने से वो हिचकिचाते हैं, इतना प्रेफर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस नहीं लेते हैं, सब कोई आजकल फाइनेंस पे ही लेता है सारे व्हीकल्स वगैरह, बट उतना ज़्यादा उनको वहाँ पे इतना मुझे नहीं लगता कि डिमांड होगी जितना कि मेट्रो सिटीज़ में है। तो मैं अभी इस पे यही कहना चाहूँगा कि अभी दिखा देता हूँ मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, कि प्रमोटर्स के पास 51.19% की होल्डिंग है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ने ज़बरदस्त इसमें होल्डिंग बना रखी है 12.74% की, और FIIs इसमें 404,
और इंडिविजुअल्स देखिए कितने कम है इसमें, 3.36%। हम आप जैसे खुदरा जो इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पे 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है। पिछले साल दिया था इसने तो जुलाई 18 में, और ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंपनी है। अभी भी ये गुड क्वालिटी कंपनी है। वैल्यूएशन पे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर आपको रुचि है कि चलो हमें महिंद्रा फाइनेंस में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो थोड़ा सा और डाउन आने दीजिए, क्योंकि आरओसी देखिए 10.94% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कम है, आरओसी और आरओई इसका, तो उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनी की जो होनी चाहिए पोजीशन वो नहीं दिख रही है। जबकि कुछ ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप चाहें तो उधर भी डाइवर्ट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, या जो भी आप एमबीएफसी के अगर आप लेना चाहते हैं स्टॉक्स, तो उधर भी फोकस कर सकते हैं बजाय इसके। और मैं किसी एक कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा या किसी कंपनी के फेवर में नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को डाटा दिखा रहा हूँ। और फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, स्कोर इज़ 9, और रिटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए 10 सालों में 748% का रिटर्न है, जो कि अट्रैक्टिव है नो डाउट, और 5 सालों में 72 पॉइंट का, जो कि यहाँ थोड़ा सा बहुत कम लग रहा है मुझे। और 4 ईयर्स में भी देखिए 54% का है, 3 ईयर्स में भी 59% का है, 2 ईयर्स में 23% का रिटर्न है, 1 ईयर में -16 है, और ईयर टिल डेट में 12% का करीब आसपास नेगेटिव में है, लेकिन 6 मंथ में 7.79% का अपसाइड है, फिर लगातार यहाँ पे नेगेटिव में है आज तक 3 मंथ से। तो रिटर्न भी उतने ज़बरदस्त नहीं, बाकी आप एनबीएफसी कंपनीज का देखेंगे तो चाहे वो ग्रह फाइनेंस रही हो, चाहे आप मनप्पुरम फाइनेंस का देख लें, ज़बरदस्त इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है उस लिहाज से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एज एन इन्वेस्टर मैं अभी इस कंपनी में तो नहीं लूँगा जब तक इसकी आरओई और इसके आरओसी अच्छा नहीं हो जाता, या इसकी और बैलेंस शीट अच्छी नहीं हो जाती। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मशवरा कर लें। ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।